बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। अगर बीजेपी 41 और कांग्रेस 44 है, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि छत्तीसगढ़ बिल्कुल क्लीन कांग्रेस की तरफ माना जा रहा था। किशोर जी, तीन राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो बढ़त है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि छत्तीसगढ़ में जो फाइट है वो बहुत नैरो है। हमारे मित्र कांग्रेस के समर्थक कर रहे थे, ईडी सीबीआई की बात कर रहे थे, अब तो इनके पास टाइम है विश्लेषण करने के लिए जी। ईवीएम है, ईडी है, सीबीआई है, बड़ी 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 खबर छत्तीसगढ़ में 44-41 जी जी। दर्शक ने मेरे पास फोटो खींच कर भेजी है News24 की, ये काउंटिंग, मैं आपको काउंटिंग सेंटर के आंकड़े बता रहा हूँ, 44-41 आप हो सकता, दिल बहलाने को गाली भी ये ख्याल अच्छा है। आप देखिए, तीन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहाँ कहीं गणना में नहीं थे, आज कितनी आगे आ चुके हैं। एक और तेलंगाना देखिए, अब आप तेलंगाना में कांग्रेस 62 है परंतु डिवाइडिंग है, बीआरएस 36, बीजेपी 5, एमआईएम 5, एक अन्य। हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इन शुरुआती रुझान को हम को रिजल्ट नहीं मानते। आप राजस्थान पे बात करो, राजस्थान में आपका कम गया है, मेरा बढ़ा है, और आप देख लेना आंकड़ा, देख लो आप, ये आपका मेरा यहाँ क्या हो गया, बीजेपी का कम हुआ है राजस्थान के अंदर। देखिए, वो अभी व्हाट्सएप से उनको मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, अब वो कांग्रेस कहाँ जीत रही है वो व्हाट्सएप पे उनको आने लगा, यहाँ टीवी चैनल पे तो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य आपके लिए, व्हाट्सएप वाले आप हो, व्हाट्सएप वाले आप हो, हम व्हाट्सएप वाले नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी जीतेगी, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा जी, मैं ये कह रही हूँ कि एक चीज तो स्पष्ट है कि ये जो बोला जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो नजर नहीं आ रहा है। पर छत्तीसगढ़ में देखिए बहुत चौंकाने वाला है, ये चौंकाने वाला है, चेंज होगा, अभी ये बहुत चेंज होगा। और आप तेलंगाना में देखिए, 19 सीटें थी 2018 में, तो ये जो लीड ली है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की हो और इमेज चेंज हो, कल्याणकारी मुद्दे हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं ये सब रिजल्ट्स में आपको नजर आएगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कांग्रेस के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर तेलंगाना से, और ये विपक्षी गठबंधन के लिए भी एक खबर होगी तेलंगाना में कांग्रेस का इतना बढ़ना। लेकिन जहां बीजेपी से आपकी सीधी फाइट है, कांग्रेस की सीधी फाइट है, वहां क्यों नहीं लड़ पा रही है बीजेपी से? राजस्थान में सरकार होने के बावजूद सरकार जाती दिख रही है, मध्य प्रदेश में सरकार न होने के बावजूद सरकार उन्हीं की आती दिख रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार होने के बावजूद बीजेपी बिल्कुल नेक एंड नेक पे आ गई 44-41। देखिए, अभी और रुझान क्लियर होंगे, और मुझे लगता है कि तो ये तो तेलंगाना के लिए भी कह सकते हैं कि वहां भी रुझान क्लियर होंगे। आप उसमें देखिए, उसमें लीड जो है वो, और आप देखिए बीजेपी के 5 हैं, तो वो गैप तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, महिला वोटर्स की जो बात हो रही थी, तो इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि महिला वोटर्स और जो ST SC कम्युनिटी और OBC का जो मुद्दा है, वो भी आपको धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। और ये जो अभी आप देखेंगे कि बहुत मेजर नेता जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं अभी पीछे नजर आते दिख रहे हैं। MP और राजस्थान में भी अभी सिचुएशन जो है और टक्कर की होने जा रही है। MP और राजस्थान में कांग्रेस को उम्मीद की शायद बढ़ेगा उनके लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में गैप बहुत ज्यादा है इस वक्त, 39 सीटों का गैप है 222 के जो रुझान आए हैं। बीजेपी 130 पर आगे चल रही है, कांग्रेस सिर्फ 91 पर आगे चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव अभी नहीं आ रहा, आने वाला है 10 मिनट बाद, ये कह रहे हैं, अभी क्यों नहीं आ रहा? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट अब आएगा और मध्य प्रदेश में बीजेपी साफ हो जाएगी। अभी तक यात्रा नजर नहीं आई किसी को, बोर्ड पर देखिए, ढूंढ रहे हो यात्रा का रिजल्ट, और इसलिए नहीं नजर आ रही इनको क्योंकि इन्होंने चश्मा लगा रखा है, नजर कमजोर है। कांग्रेस जीतेगी मध्य प्रदेश में, और यहीं बैठा हूं और लिखवा कर ले लो। किशोर जी, ये विजय कौशिक शुरू से पर्सनल अटैक पर विश्वास करते हैं, इसलिए रिजल्ट ये आ रहे हैं, पर्सनल अटैक करते हैं हमेशा। मैं ये कह रहा हूँ, एक एक गली की जो काउंटिंग के आधार पर आपने जो खाका खींचा है अपने दिमाग में, तो मैं फिर बता दूं कि मोदी जी का कोई जादू वादू ना था ना है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, मोदी का जी जिक्र यही करते हैं, मोदी सिर चढ़कर बोलता है इनके, ये नजर आ रहा है। अरे मोदी का जिक्र किसने किया था? भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र, वो आपके। अच्छा एक मिनट, अच्छा सुनो विजय जी, चश्मा इन्होंने भी लगा रखा। हाँ, नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किसने किया था? वो आपके दिल में बैठ गई और बैठनी चाहिए, मोहब्बत की दुकान हमारी आपके दिल में होनी चाहिए, लेकिन ये आंकड़ा बदलेगा, मुझे पूरा यकीन है। आने दीजिए ना, अभी हो गया क्या? अरे हम बैठेंगे, हम देख रहे हैं। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।
अभी आप देखिएगा जिस तरीके से कांग्रेस लीड लेगी। अच्छा अभी तो हम राजस्थान बीजेपी के दफ्तर चल रहे हैं भवानी के पास। भवानी, राजस्थान बीजेपी 103 के साथ रुझानों में आगे। देखिए देखिए यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, जश्न चल रहा है। सामने न्यूज इंडिया की तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। इस वक्त आप देखिए कि घनश्याम तिवारी है राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के सीनियर नेता, नारेबाजी लगातार चल रही है। नारेबाजी के बीच में बात करें घनश्याम जी, अभी से नारेबाजी है, लग रहा है जीत रहे हैं। देखिए राजस्थान राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर स्पष्ट बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें मिल रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और छत्तीसगढ़ के बारे में जो आकलन था कि वो है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी टक्कर में है। ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की लहर दिख रही है जो 2024 में तूफान के रूप में बदलेगी और इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।